नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल फूड विद टिप्स में। आज हम झटपट आम का अचार बना के तैयार करेंगे। नॉर्मल अचार बनाने में हमें 5 से 7 दिन लग जाते हैं, पर आज आप झटपट अचार बना के तैयार करेंगे और ये जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएगा। तो चलिए इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 1/2 किलो आम लिया है, 500 ग्राम। थोड़े से हमने काली मिर्च के दाने लिए हैं। राई लिया है, राई 1/2 कटोरी है। और थोड़ी सी हल्दी ली है हमने। यहाँ पे कलौंजी लिया है थोड़ा सा। और थोड़ा सा हमने यहाँ पे मेथी दाना लिया है, सौंफ ली है थोड़ी सी। 1 कटोरी हमने तेल लिया है, लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे हमने देगी मिर्च लिया है ताकि अचार का कलर रेड हो। नमक स्वादानुसार, अजवाइन थोड़ा सा। तो चलिए हम सबसे पहले आम काट के फिर अचार बना के तैयार करते हैं। तो हम सबसे पहले आम काटेंगे। यहाँ पे हम आम चाकू की सहायता से काट रहे हैं। आप चाहें तो आम कटर से भी आम काट के तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आम के ऊपर का और पीछे का, आम के ऊपर का हिस्सा हटाएंगे। तो हम आम के ऊपर का हिस्सा हटा देते हैं और आम काट लेंगे। हमें आम का पल्प चाहिए, तो हम आम के टुकड़े करेंगे पहले चाकू से और फिर इसका छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। वैसे तो अचार के लिए हम अधिकतर अचार कटर से ही काटते हैं, पर आज हम चाकू से काट के फटाफट अचार बना के तैयार करेंगे। झटपट बनेगा ये अचार। तो हमने देखिए काट लिया है। आप पीस अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। हम थोड़ा छोटा पीस काट रहे हैं ताकि हमारे बच्चे वेस्ट ना करें। तो इस प्रकार से हमने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, ये देखिए। और ऐसे ही हम अचार के पीसेस काटेंगे। पहले आम को हाफ करेंगे, फिर उससे हम बीच से काट के और छोटे छोटे पीस कर रहे हैं ताकि हमारा अचार वेस्ट नहीं हो, जिसको जितना खाना है उतना ही ले। तो हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट के तैयार करेंगे। ये देखिए हमने 1 आम लगभग काट लिया है। और ये गुठली जो है वो हम फेंक देंगे, हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और आप देख रहे हैं हमने कुछ पीस काट लिए हैं, 1 आम काट लिया है। इसी प्रकार से हम बाकी आम भी काट के रेडी करेंगे। तो हम आम काट लेते हैं। ये देखिए हमने आम काट के रख लिया है। हमने आम को पहले ही अच्छे से धो लिया था। तो अब हम मसाले भूंजेंगे। सबसे पहले हमने सौंफ लिया है, मेथी दाना, ये काली मिर्च, गैस ऑन करेंगे और मसालों को थोड़ा सा हम भूंजेंगे ताकि इसका मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा टेस्ट भी आ जाए। अजवाइन भी डाल देंगे। पैन हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसे लगातार चलाते हुए थोड़ा सा भूनेंगे। कलौंजी भी डाल देंगे। हमारा पैन गर्म हो गया तो मसालों में अच्छी सी खुशबू आने तक हम इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे। जब हमारे मसाले में अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और मसाले थोड़े से चटकने लगेंगे तो हम गैस ऑफ कर देंगे, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। तो हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और गैस मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा तेज पे नहीं भूंजेंगे हम मसाले, वरना ये जल जाएंगे। तो हम इसे चलाते रहेंगे। और ये देखिए हमारे मसाले का कलर चेंज हो गया है और अब हमारा मसाला भूंज गया है। इसमें से चटकने की आवाज़ आने लगी है, आप देख रहे हैं। तो इसे हम तुरंत छोड़ेंगे नहीं, इसको थोड़ी देर चलाते रहेंगे। किसी बर्तन में हम वापस कर पलट लेंगे, वरना मसाले हमारे थोड़े से नीचे से चल जाएंगे क्योंकि बर्तन हमारा गर्म है। तो हमने इसे पलट लिया और इसी में हम तेल गर्म कर लेंगे, सरसों का तेल। हमेशा अचार बनाने के लिए सरसों का तेल लीजिए और थोड़ा सा गर्म करेंगे इसमें धुआं आने तक अच्छे से। जब धुआं आने लगेगा तब हम गैस ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के बाद ही अचार बनाएंगे। तो हम तेल भी गर्म कर लेते हैं।
तेल हमारा गरम हो गया लगभग। देखिए इसमें से बबल्स आ रहे हैं और अब हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है। बबल आ रहे हैं तो हम गैस ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो अब हमने अचार के पीस कर लिए हैं, मसाले भून के तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पे आपको बताएं, थोड़ा सा अगर यहाँ पे लहसुन की कली डाल देंगे आप छील के, तो इससे अचार का टेस्ट भी बढ़ जाता है और बहुत ही अच्छा, काफ़ी दिन तक ये अचार चलता है। तो हम यहाँ पे लहसुन की कली भी थोड़ा सा डालेंगे। हमने दो गांठ कल लगभग छील लिया है। तो हम भुंजे हुए मसाले, राई, इन सभी चीज़ों को पीस लेंगे। तो ये देखिए हमने पीस के रेडी कर लिया है मसाले। थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे अचार का मसाला, क्योंकि ज़्यादा बारीक अच्छा नहीं लगता अचार। तो अब हम लहसुन भी पीस लेंगे उसी जार में और हींग भी इसी में डाल देंगे। लहसुन और हींग से टेस्ट भी बढ़िया बन जाता है और अचार हमारा काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होता है। तो हम यहाँ पे एक चुटकी हींग का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि अचार में खुशबू भी अच्छी आ जाए और अचार हमारा काफ़ी टाइम तक चले। तो हमने यहाँ पे हींग भी डाल दिया और इन दोनों चीज़ों को भी हम थोड़ा सा बारीक पीस लेंगे। साथ में नमक डाल देते हैं, इससे जल्दी लहसुन पीस जाएगा हमारा। तो अब हम इसे पीस लेते हैं तीनों चीज़ों को। हमने लहसुन, नमक और हींग का पेस्ट बना लिया है, आप देख रहे हैं। तो हम एक बर्तन लेंगे, आप कोई भी बड़ा बर्तन ले सकते हैं। सबसे पहले उसमें जो हमने आम काट के रखा था वो डालेंगे और अब हम इसमें मसाले डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और मिक्स करेंगे। ध्यान रखिए हमारा बर्तन भी सूखा होना चाहिए अच्छे से, और जिस चम्मच से हम अचार बना रहे हैं वो भी अच्छे से सूखा होना चाहिए, वरना हमारा अचार जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो हमने बर्तन भी सूखा लिया है और चम्मच भी सूखा लिया है। अब सारे मसाले हम अचार में डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो हल्दी भी डाल देते हैं हम यहाँ पे, हल्दी भी डाल दिया, लाल मिर्च भी डाल देंगे। यहाँ पे हम देगी मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, इससे हमारा अचार का कलर बहुत अच्छा आता है, देखने में रेड कलर आता है और देख बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमने सारे मसाले डाल दिए हैं, लहसुन और नमक और हींग जो हमने पीस के रखा था वो भी डालेंगे साथ में। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप ना डालें, इसीलिए हमने इंग्रेडिएंट में नहीं दिखाया था। और अगर खाते हैं तो ज़रूर डालें, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और अचार काफ़ी टाइम तक चलता है, ख़राब नहीं होता। तो यहाँ पे हम जो हमने तेल गरम करके रखा था वो डालेंगे। अभी हम थोड़ा तेल डाल रहे हैं, हमारा अचार बन जाएगा तो हम गरम करके तेल और डालेंगे, इससे अचार ख़राब नहीं होता है। तो हम इसे हाथ से नहीं मिलाएंगे, इसे चम्मच की सहायता से मिक्स करेंगे सारे मसाले, ताकि हमारा अचार काफ़ी टाइम तक चले। तो हम चम्मच की सहायता से ही अच्छे से मसाले की कोटिंग चढ़ने तक मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर दिया और बहुत अच्छे से सारे आम में मसाले की कोटिंग आ गई है, मसाले से आम के पीस ढक गए हैं, आप देख रहे हैं मिक्स हो चुका है। तो इसे अभी हम तुरंत नहीं खा सकते, इनको हमें रखना पड़ेगा। तो हम इसे 4 से 5 दिन के बाद मिलेंगे, तो इसे हम ढक के रख देंगे और 5 दिन बाद हम फिर वापस खोलेंगे और चेक करेंगे, तभी हम इसे खा सकते हैं। तो हम इसे ढक के 5 दिन के बाद वापस आपको दिखाएंगे, हमारा अचार रेडी हो जाएगा तब। तो 5 दिन हो चुके हैं और हमने अचार धूप में रख रख के डेली हमने इसे चम्मच से चलाते हुए 5 दिन तक हमने धूप में रखा है। और ये देखिए कलर भी बहुत अच्छा आया है हमारे अचार का और हमारा अचार खाने के लिए रेडी है। ये देखिए इसमें थोड़ा सा अचार में पानी भी निकल गया है और अचार हमारा गीला हो गया अच्छे से और ये खाने के लिए रेडी है, अब हम इसे खा सकते हैं। अचार झटपट बन के तैयार है,
आप इसे 2 से 3 दिन में भी खा सकते हैं, पर हमने 4 से 5 दिन रखा है ताकि अचार अच्छे से गल जाए और ये झटपट बन के तैयार हो गया है। नॉर्मली अचार बनाते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है बनाने में, क्योंकि पहले उसमें हल्दी नमक लगाना पड़ता है, फिर उसे रखना पड़ता है और फिर मसाले लगा के तैयार होता है। पर हमने ये झटपट अचार बना के रेडी किया है, तो आप अचार झटपट बनाइए, खाइए, सभी को खिलाइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आप फिर मिलेंगे नई वीडियो।